那可是男女的。
先生何言うてん。बात हुई ना GTA 5
आपको देख के मुझे ना यमुना ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस है ना उसकी याद आती है, मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी यामाहा कैडिबर पे जाता था, सॉरी बजाज कैडिबर, बजाज कैडिबर यामाहा तो उससे पहले थी, RS 100 था जो उसकी साउंड था, लिटरली कह रहा हूँ अगर आप उस साउंड को सुने ना मजे आ जाएंगे मजे। चलो भाई चलो, मेरा तो ये हो गया पार्सल। हाँ तो मैं कहाँ था, यमुना एक्सप्रेस में जाता था मैं बजाज कैलिबर लेके, जो कैलिबर की साउंड था ना वो मैं आपको बताता हूँ। मैं रहता था उस दरियागंज में जो ओल्ड डेली के पास में, वो उसकी पब्लिशर्स वगैरह, मैं अपना बिल्डिंग कैंपस नहीं बताऊँगा, बस ये बताऊंगा कि कैंपस था, मैं उसमें रहता हूँ, 20 फ्लैट थे, पार्ट टाइम और बहुत अच्छा था। अगर दिल्ली में अगर मुझे रहना हुआ ना तो उस जगह को प्रेफर करता हूँ क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में है और ऐसी लोकेशन लिटरली कह रहा हूँ, अगर कहे आपसे कि आपका सारा सेविंग उड़ा दूं मैं, ये तो नहीं कि 20 करोड़ 200 करोड़ नहीं, मतलब ये कि जितना पैसा आप जॉब कर रहे हो करो या बिजनेस करो करो, बस ये है कि आपके अकाउंट हो और 0 पैसा हो, कोई भी अकाउंट में आपके पैसा ना हो, अपना गले में बिजनेस के गले में, अगर आपको एक ट्रॉफी भी देनी हो ना वो भी आपको क्रेडिट पे दो तो मजे है, तो पता चलेगा उस चीज़ का। तो वो है कि जो वो ज़मीन है वो एरिया वाकई में चल, हाँ मैं इतना हिंट जरूर दे सकता हूँ, लाल किले का एक खुफिया गेट सुनकर क्या, ये खुफिया गेट है हमारे पार्क के अंदर ही था एकदम कॉर्नर में राइट साइड में छोटा सा, वहाँ पे एक राम स्वरूप जी थे गार्ड हमारे सिक्योरिटी बहुत टाइम से रहे, वो क्या करते थे कि जब भी मैं देखता था, मैं उस टाइम कॉलेज का स्टूडेंट था और कंप्यूटर से बैंकिंग एंड फाइनेंस करवाता हूँ, तो वो जब भी मुझे देखते थे तो उस टाइम उनके पास फ़ोन नहीं था, ये बात है 2011-12 की, जहाँ उनके पास पैसा नहीं होता था, उसमें मोबाइल में क्या करते थे पहले देखते थे कि मेरे फादर तो नहीं है साथ में, तो फिर बुलाते थे कि प्लीज जी नमस्कार खान जी, तो कहते कि जरा आइए ना इधर, तो मैंने जाकर कहते बहुत नाइस पिक्चर के थे, तो बोलते ही थे कि जरा एक फ़ोन लगाइए बैंकिंग को, बात करवाते थे उनको, बड़े दिल से बात करते थे वाकई में, और मेरा कभी ऐसा इंटेंशन हुआ नहीं कि मैं सुनूं क्या बात करते हैं क्या नहीं, और वो भी एकदम बच्चे की तरह रखते थे अपने
ऑब्वियसली बात है क्योंकि बच्चे भी काफ़ी बड़े थे, मेरे बराबर बेटी भी कर दिया हो गई थी, तो बाकी उसके बाद मैंने मार्केट में कोशिश की थी जब पहले छोड़ा था मैंने, हाँ तो मैं कहा था थोड़ा इमोशनल पल आ जाते याद करते करते। हाँ मैं ही कह रहा था कि जो बजाज कैलिबर थी वो याद आती है गाइस, अगर आपके पास पुरानी बाइक्स हैं, आपके फादर की, बड़े ब्रदर की, दादा की, ग्रांड फादर की, किसी की भी एक्सीडेंट, आप उन्हें रखिए। मेट्रो सिटी में तो दिक्कत आती है बट आप छोटी सी एरिया में चला सकते हैं, अगर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा और उसके लिए कंडीशन है कि आप उसका पॉल्यूशन सर्विस टाइम टू टाइम करवाइए। अब एक चीज बताइए, आपने आपने एक बाइक की जो है एनफील्ड राजदूत हो गए तो क्यों सक्सेस है भाई, वो इसीलिए सक्सेस है उसके इंजन भी बढ़िया क्वालिटी के हैं, प्लस लोग भाई इतनी महंगी गाड़ी देखे सर्विस करवाते हैं, सस्ती गाड़ी में कोई सर्विस नहीं करवाता। आप अगर देखिए ₹4 भी आप अगर इन्वेस्ट करो ना अपनी बाइक पे बहुत है, ₹5 कर लो सबसे मेन ₹5 में ₹1500 होता है साल में, कुछ नहीं आपको ऑयल वगैरह तो जो डलवाना है वो फिल करवाना ही होगा, बट जो आपको पे करेगी बाइक वो अलग, लाइक ₹1500 का आपने एस्टिमेट समझिए क्या रखा है, लेवलिटी है निभाओ बाइक की है यार, और महीने में एक बार वॉश करवानी चाहिए मेरे हिसाब से बाइक तभी कुछ फायदा। बाइक भी चलती थी और सर्विस करवाने के लिए बेटर लग गया, Thank you.